पूरे ज्ञानवापी का सर्वेक्षण, जीत की ओर सनातन का प्रण, ज्ञानवापी की सच्चाई अब आएगी पूरी दुनिया के सामने। हमारे साथ यहाँ पर कचहरी में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो सालों से कानून के यहाँ पर जानकार भी हैं। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या मत है, क्या सोचते हैं। जिस तरीके से आज प्रयागराज की हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्या लगता है अब ज्ञानवापी की राह और आसान हो रही है? बिल्कुल आसान हो गई है और ऐसा ही होना ही चाहिए। ये आतताई जो हमारे मंदिरों को तोड़े हैं, इन पर शासन प्रशासन और न्यायपालिका न्याय करे, ये हमारी इच्छा है। क्या लगता है अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आज एक अहम आदेश सुनाया है? हम लोग की एक प्रमुख डिमांड है मथुरा, अयोध्या और काशी, केवल तीन ही डिमांड है। वो शुरू से है, अगर इन तीन मंदिरों को मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को सौंप दे तो हम लोग आगे जितने भी छोटे मोटे मंदिरों पर आक्रमण हुए हैं उनको हम लोग माफ़ करने को तैयार हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए ये करना चाहिए, पहल करनी चाहिए। क्योंकि न्यायपालिका के जरिए आप मामले को लंबा खींच सकते हैं, लेकिन सत्य के पक्ष में ही निर्णय होगा। तो इसलिए मुस्लिम पक्ष से अपील है कि हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हुए ये तीन मंदिरों पर अयोध्या में फैसला आ चुका है, लेकिन काशी और मथुरा को हाँ स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष रूप से पहल करते हुए अगर हिंदुओं के पक्ष में सौंप देते हैं तो ये समाज में अच्छा वातावरण पैदा करेगा और कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी। बात की जाए लगातार जो मुस्लिम पक्ष है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा लेता है, पर कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सिविल बाद में ये बाध्यता नहीं होती। बहुत सही निर्णय कोर्ट का है, और सबसे बड़ी चीज जब ये सबूत है, तथ्य है कि औरंगजेब मुगल काल में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, और सबसे बड़ा उदाहरण तो जो आगरा का मस्जिद बना है, वो मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान कृष्ण के विग्रह को, उनके चित्र को उसमें लगा करके उसी सीढ़ी पर पैर रख करके सब चलते हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? और सब चीज कोई भी न्याय प्रमाण के आधार पर होता है, तो जब प्रमाण आ रहा है तो उसको मुस्लिम पक्ष को भी मानना चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम जो यहीं भारत में ही रहना है, अगर भविष्य का जुड़ाव दूर करना हो तो वो उस चीज़ को स्वीकार करें और अच्छे भावना दिखा करके मिल के रहें। क्या लगता है आपकी अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी आ गई है, जिस तरीके से कोर्ट के लगातार ऑर्डर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही है, और ये शुरू से ही जो है मुसलमानों ने आकर के जो है हमारे मंदिरों पर कब्जा किया है, जो कि गलत है। इसमें तो मुसलमान नेताओं को, चाहे हिंदुओं चाहे मुसलमान, उनको सब आगे बढ़ के पहल करनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि ये तीनों मुसलमान स्वयं सौंप दें, ताकि ये अदालत का ये जो चक्कर है ख़त्म हो जाए, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। तो जिस तरीके से लगातार बातें आ रही है कि अब वो समय आ रहा है धीरे धीरे जब सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। सुधीर जी, बात की जाए आज के कोर्ट के ऑर्डर की, तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि सर्वे होना चाहिए और याचिका को खारिज किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के जो दावे हैं वो भी खारिज कर दिया मुस्लिम पक्ष को। तो क्या लगता है कि अब कितनी साफ हो रही है तस्वीर सच्चाई की तरफ बढ़ते हुए? एकदम हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है बहुत स्पष्ट क्लियर आदेश दिया है, इससे मुकदमे के सुनवाई में सुविधा होगी, और सबसे बड़ी चीज़ कहा है कि 6 महीने के अंदर निस्तारित कर दीजिए। यही बहुत बड़ा लंबा पेंडिंग करके दो संप्रदायों के बीच में बहुत लंबे तक मत चलिए। वर्शिप एक्ट या उनका अन्य जो प्रार्थना पत्र के सर्वे नहीं होना चाहिए, ये खारिज करके हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा किया, और एक आदेश ये भी किया है कि जो सर्वे हो चुका है 1822 में जो राखी सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में, उस सर्वे की रिपोर्ट को इसमें न्यायालय में दाखिल कर दिया जाए और रिपोर्ट पढ़ने लायक रहेगा, वही रिपोर्ट पढ़ा जाएगा, यदि उसमें कोई कमियां रहेंगी तो उसको प्रार्थना पत्र के द्वारा सर्वे हो सकता है। इससे समय की बचत होगी, न्यायपालिका भरोसा होगा, और त्वरित अच्छा न्याय मिले, जल्दी मिले तो अच्छा रहता है। न्याय अगर विलम्ब से मिले तो न्याय का महत्व भी कम हो जाता है। तो हाईकोर्ट का जो आदेश हुआ है ये सराहनीय है, और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, और ऐसे आदेश आते रहेंगे तो न्याय भी समय से मिलता रहेगा। क्या लगता है सुभाष जी, कानून की लड़ाई में हिंदू भारी, मुस्लिम पक्ष की अब क्या होगी तैयारी?
देखिए ये लड़ाई जो चल रही है केवल मंदिर की लड़ाई नहीं है, ये सभ्यता और संस्कृति की भी लड़ाई है। मंदिर उसका जो है आधार बन सकता है। ये जो आदि विश्वेश्वर है जिसकी लड़ाई काफ़ी 32-33 वर्ष हो गए, 33 वर्षों से न्याय की जो है कहा जाए कि आशा में जो है न्यायालय हाईकोर्ट तक फंसा हुआ, आज तक एक कदम नहीं बढ़ पाए। न्यायालय का ये जो फैसला है बड़ा न्यायोचित है कि तत्काल 6 महीने में इसको आप सुनवाई करके इसका निस्तारण करें, क्योंकि इतनी लंबी प्रक्रिया 33 वर्षों से जो है जिस मांग को कर रहे हैं वो सुनवाई हो नहीं पा रही है, उसका फैसला नहीं आ पाया है। इसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने एक बहुत ही न्यायोचित फैसला दिया है और कि 6 महीने के अंदर जो है इसका सुनवाई करके इसका निस्तारण करें। और जो सर्वे हमारे राकेश सिंह वगैरह जो हम लोग की लीडिंग केस यहाँ पे, उस सर्वे को ही कहा है कि उसमें भी सबमिट करके उसमें जो अटैच कर दीजिए, यही सर्वे मान्य होगा। इसलिए कुल मिला के जो हम लोगों का कहा जाए कि एक लड़ाई जो चल रही है, पूरे हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है, आदि विश्वेश्वर की लड़ाई चल रही है, ये बहुत जल्द निस्तारण की ओर बढ़ रहा है। और हमारी विजय जो है जिस हिसाब से न्यायालय भी सक्रिय हुआ है, लोग सक्रिय हुए हैं, लोगों का रुझान सक्रिय हुआ है, सारा देश चाहता है कि अब जल्द से जल्द ये विवाद समाप्त हो जाए। जो 350 वर्षों से विवाद चल रहा है, 353 साल पहले जो है औरंगजेब ने, एक आक्रांता ने जो है जिस परिसर को, हमारे आराध्य के मंदिर को तोड़ा था, उसका निस्तारण पुनः जो है हिंदुओं को मिले और बाबा का पूजा पाठ, जो भी हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक जो हमारे अधिकार हैं वो हम लोगों को पुनः प्राप्त हो। इसलिए न्यायालय के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। क्या लगता है दीपक जी, अब वो घड़ी आ रही है जब ज्ञानवापी का सच सामने तो आएगा ही, साथ में जो कानून लड़ाई के जहाँ सच का जो अधिकार है वो भी मिलेगा? जी बिल्कुल, जो है सच सबके सामने आ चुका है। ऐसा नहीं है कि सच सबको पता नहीं है, सत्य सभी को पता है, लेकिन उसको लोग दबाए पड़े हैं और ये अब ज़्यादा दिन दबने वाला नहीं है। जहाँ तक 6 महीने की बात है, वो जो है 6 महीने के अंदर जो है इनको डिस्पोजल करना है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज को जो है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो डिस्पोजल करके वो अपना हाई कोर्ट में भेजेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा और हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की विजय होगी। क्या लगता है अब ज्ञानवापी का सच सबके सामने आने वाला है? हाँ, एकदम आने वाला है। सब सही है जो है, जो भी सबूत मिल रहा है सब सही है मिल रहा है जो है, हाई कोर्ट आदेश जो है सही है जो है। क्या लगता है भाई साहब आपको, आप पूरे मामले को देख रहे हैं समझ रहे हैं? एक प्रिंसिपल है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कोर्ट ने जो है वो 6 महीने में डिस्पोजल करने के लिए कहा है मामले को। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि उसमें कंडीशनली ऑर्डर होता है कि 6 महीने आप निस्तारित कर दिए अगर संभव हो तो। तो एक सीधी सी बात है, स्पीडी ट्रायल जो होता है उसके लिए ये ऑर्डर है और हम लोग न्याय की जो है प्रतीक्षा में है। इसको हिंदू और मुस्लिम से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, सिंपली एक मैटर ऑफ सिविल नेचर देखना चाहिए। क्या लगता है कि अब अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी जल्द आ रही है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने के अंदर डिस्पोजल कीजिए? देखिए, बारी आने की बात है तो ये तो सर्वविदित है, सबको ही जानता है कि यहाँ पे पहले मंदिर था। और जहाँ तक मुस्लिम पक्ष की बात है तो पहले से जानते हैं कि ये सारा कुछ सच है, मंदिर है, इसीलिए बार बार वो रोड़ा अटका रहे हैं, येन-केन प्रकार उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब सीलबंद लिफाफा आ गया, वो जान रहे हैं कि हमारे पक्ष में नहीं है। कल हमने एक स्टेटमेंट सुना कि अगर रिपोर्ट आ जाएगी तो सामंजस्य, जनभावना बिगड़ जाएगी। अगर इतना ही आपको सामंजस्य का चिंता है तो आप मंदिर हम हिंदू पक्ष को दे दीजिए और अपना सामंजस्य बनाइए। लॉ और मोरालिटी का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद देखिए, बात यही है कि वो चाहते हैं कि सच किसी के सामने आए ना, जो सच जान रहा है सबके मन में है वो बस मन ही तक रह जाए। अब कल रिपोर्ट आ गई है, बस उसके खुलने का इंतजार है। और ये जो हाईकोर्ट ने आज आदेश दे दिया 6 महीने का, और उनका मनोबल डाउन है। अब उनको अपना इज्जत बचाने के लिए यही करना होगा कि वो खुद से खुद मंदिर रूपी मस्जिद का चाबी जो है मंदिर वालों के पक्ष में दे दें, उनकी इज्जत बच जाए। लॉ और मोरालिटी का कोई लेना देना नहीं है। उभय दूसरा पक्ष जान अच्छी तरह रहा है कि वहाँ मंदिर था, लेकिन जहाँ तक लीगल राइट को प्रैक्टिस करने की बात है, उसकी बात है, तो भाई वो राइट है, उसको वो लेंगे। तरीके से ये होना चाहिए कि उनको उसको यहीं पटाक्षेप करके उनको हैंडओवर कर देना चाहिए इस साक्ष्य। क्या लगता है बाबा, अब सच्चाई सामने आने वाली है? बिल्कुल, सच्चाई सामने आने वाली है। सदियों से प्रतीक्षारत हमारा समाज, अब तो न्यायालय द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो काशी मथुरा अयोध्या की ही बात नहीं है, हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है। आक्रांताओं द्वारा जब
इस देश पर आक्रमण हुआ था तो हजारों मंदिरों पर भी धर्मियों द्वारा आक्रमण करके उनको क्षतिग्रस्त किया गया था। ये हमारे सनातन संस्कृति को कुठाराघात पहुंचाने का ये षड्यंत्र था। लेकिन अब जब न्यायालय से हम अयोध्या प्राप्त किए हैं, न्यायालय से काशी और मथुरा प्राप्त कर रहे हैं, तो न्यायालय से और हम लड़ाइयाँ लड़ेंगे। हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है विधर्मियों द्वारा, और यहाँ के मुस्लिम समाज से हम आग्रह करेंगे और सुझाव देंगे उनको कि औरंगजेब और बाबर से अपनी तुलना न करें। उनके वंशज बनेंगे तो उनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर दूध में अगर शक्कर की तरह मिल करके रहेंगे तो हम उनका स्वागत करते हैं, चाचा ताऊ करके बुलाएंगे, लेकिन औरंगजेब के और बाबर से हुमायूं से वंश बनेंगे तो उनके लिए हमारे हृदय में कोई जगह नहीं होगा। उनके लिए ये भारत भूमि नहीं है, वो आक्रांता थे, लुटेरा थे, डकैत थे, रहेंगे। और हाई कोर्ट, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सारे न्यायालयों पे हमें भरोसा है, हमारे समाज को भरोसा है। तो सभी का ये कहना है कि न्याय की जीत होती है देर सही पर सच की आखिर जीत जरूर होती है, और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की तैयारी है।